हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। तो आज का ब्लॉग मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग 5 AM से। बहुत ही रेयर टाइम है, मैं कभी इस टाइम पर ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। मोस्टली थोड़ा सा ये मॉर्निंग के टाइम हेक्टिक हो जाता है, फिर चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, तो बहुत रेयरली मैं इस टाइम का ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मैं, फिर उसके बाद ये और फिर ननु। तो मैं उठते ही सबसे पहले स्ट्रेचिंग से करती हूँ, क्योंकि रात भर बॉडी ना अकड़ सी जाती है, जैम सी हो जाती है लेटे लेटे। तो फिर मैं हल्का सा स्ट्रेचिंग करती हूँ और बाहर का व्यू ज़रूर लेती हूँ। मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम तो मौसम भी बहुत सुहावना सा हो रहा है, चारों तरफ फॉग फॉग सी है। तो हम लोग अक्सर बालकनी में आकर के डेली थोड़ा सा फ्रेश एयर लेते हैं, गेट वगैरह भी घर के खोल देते हैं जिससे कि वेंटिलेशन हो। और इस टाइम तक मंदिर में एक प्यारा सा दिया भी जल जाता है, जिसको मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि चल रही हैं गर्मियाँ, गर्मियाँ क्या, इनफैक्ट आजकल तो मॉनसून स्टार्ट हो ही गए हैं एक तरीके से। तो आजकल ना हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल दिखती है, कभी हमारी जो स्किन है वो ह्यूमिड की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी रहती है, ऑयली ऑयलीनेस, एक्स्ट्रा जो ऑयलीनेस है वो हमारे स्किन में फील होता है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए क्या करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं लगा रही हूँ ये मामाअर्थ का राइस फेस वॉश विद राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड। ये आपको ग्लास स्किन प्रोवाइड कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और साथ ही साथ मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट पार्ट, ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप सुटेबल है। मामाअर्थ का जो ये फेस वॉश है ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपके स्किन में एक चमक आएगी, ग्लो आएगा, और साथ ही साथ आपको ग्लास स्किन लाइक कोरियन। हाँ जी, क्योंकि राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। राइस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्किन से दाग धब्बों को हटाती हैं, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है लाइक स्वेटिंग आना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राइस से हम दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट द्वारा बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से मेरा फेवरेट है। इसको लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई झंझट नहीं है। फ्रेंड्स, आपको इनफ अमाउंट में ये फेस वॉश लेना है और अपने फेस पे जेंटली मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑल ओवर फेस। मैं इसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और चाहो तो अपने के एरिया पर भी इससे मसाज कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी स्किन को क्लेरिफाइज करेगा और साथ ही साथ जो आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, और आपको ग्लास स्किन प्रोवाइड कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि इसमें है नियासिनेमाइड, तो ये आपके स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा, और साथ ही साथ जो ओपन पोर्स हैं उनको भी मिनिमाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको एक हेल्दियर स्किन प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। जैसे कि आप कोरियन कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी स्किन एकदम ग्लास स्किन होती है, कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है, पोर्स भी उनके कितने ज़्यादा मिनिमाइज़ होते हैं जो कि विजिबली नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपने स्किन केयर में राइस का बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और इंक्लूड करते हैं स्किन केयर में। तो अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि राइस के गुड़ दें, और आपको भी ग्लास स्किन चाहिए, तो आप इस फेस वॉश को डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये फेस वॉश मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप भी इसको ट्राई करके देखना, अगर आपने अभी तक इस फेस वॉश को ट्राई नहीं किया फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको लगाने के बाद मेरी स्किन का जो सारा कालापन है और सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो अच्छे से वॉश ऑफ हो जाती है, और इंस्टेंट एक ग्लो भी देखने को मिलता है फेस पर। आप जब इसको लगाएंगे ना तब आप खुद फील कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मामाअर्थ अपने कस्टमर के फीडबैक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उन्होंने अपना ओनियन शैम्पू को भी इम्प्रूव किया है आपके ही इनपुट के बेस पर। प्लस मामाअर्थ हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू, ताकि उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। तो फ्रेंड्स, इसका जो बाय लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ एक कूपन कोड भी दे दिया है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ, यानी कि डिस्काउंट। फेस वॉश आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका पर्पल पर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ मामाअर्थ की
ऐप है, उसके थ्रू भी आप सेल्स एंड डिस्काउंट की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो तो आपको पता ही है, अब ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो आप नियर बाय स्टोर से जाकर भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस वॉश, ये मस्ट है मेरे स्किन केयर में होना। इसको मैं दिन में दो बार लगाती हूँ, एक बार मॉर्निंग स्किन केयर में, एक बार नाइट टाइम स्किन केयर में। बहुत रेयरली अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसको डे में भी कभी एक आध बार लगा लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए अगर आपको इसको लेना है तो, सारे डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं जो बेड है उसको सेट कर लेती हूँ। हालांकि ये लोग लेटे रहते हैं बट फिर भी जितना हो सकता है, मतलब मैं फैला बिखरा नहीं रहने देती हूँ, मुझे पसंद नहीं। उठते ही अपना जो चादरें वगैरह है वो मैं फोल्ड कर देती हूँ, कुशन पिलो वगैरह एक से कर देती हूँ, जितनी बेडशीट सेट होती है उतनी कर देती हूँ। फिर जब ये लोग उठ जाते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से सेट करती हूँ, मेरा डेली का रहता है। फिर उसके बाद मैं होती हूँ फ्रेश, उसके बाद बनाती हूँ लोगों के लिए शहद पानी। ये तो शहद पानी नहीं पीते हैं ये, मतलब कभी कभी हम लोगों का डेली वैसे भी नहीं रहता है एक पानी, अलग अलग पानी डेली डेली पीते हैं। तो आज बनाया शहद पानी। उसके बाद यहाँ पर मैं नन्नू के जो लंच है उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो आलू बॉयल्ड रखा था और धनिया चॉप्ड रखे थे फ्रिज में रात के, तो फिर मैंने फटाफट से आलू के पराठे उससे पूछे खाओगे, तो फिर उसने हाँ बोला, तो फिर मैंने उसके लिए वो बना दिए। मैं अक्सर उससे पूछ के ही लंच बनाती हूँ कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी, अगर वो मना कर देती है तो फिर वो चीज़ नहीं, मैं दूसरी चीज़ बनाती हूँ। मेरी ये आदत है, उससे बिना पूछे नहीं बनाती हूँ। तो बच्चे का जो मन होता है खाने का ना, वही। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने किया अपना वर्कआउट, वर्कआउट के बाद जो ब्रेकफास्ट है वो प्रिपेयर किया। आज मैं करने जा रही हूँ वाली बेडशीट चेंज। मैं लैपटॉप को ना इस तरीके से रख देती हूँ क्योंकि वो ना हीट छोड़ता है तो मुझे डर लगता है, पर अभी तक इसको रखने की व्यवस्था नहीं हुई है तो इसको आप इग्नोर करना। अभी मैं देखती हूँ इसको मैं कहाँ रख सकती हूँ। बेड के अंदर पूरा फुल है, बाहर वाला बेड पूरा फुल है, छोटी वाली जो सेंटी है वो फुल है, सब कुछ फुल है, ये सारा कुछ फुल है, आप देख सकते हैं ये भी फुल है। तो अब मैं इसको कहाँ रखूँ। कुछ आइडिया आपके पास तो देना, जब मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है खैर वही वाली बात है, मैं कहाँ ही रखूँ। एक बैग है उसकी जिप ख़राब है, बट मैं सोच रही हूँ यार जिप सही करा लूँगी तो फिर थोड़ा बहुत ट्रिप के तो काम आ जाएगा, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, तो वो हटा दूँगी तब जगह बनती है, बट वो हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्या होगा फैसला, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। चलो बातें करें कम और काम करें ज़्यादा। मम्मी ने कल अपने लोगों के लिए पूड़ियाँ सेकी थी, मैं अपने नन्नू के लिए, तो थोड़ी सी बची थी तो मैंने यहाँ पर आके रख ली। ठंडक रहती ना इसी की तो फिर ख़राब नहीं होगी, बाहर डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए। वैसे तो ये वाला गेट खुला रहता है बट मम्मी जब नहीं होती तो ये पूरा रूम बंद कर लेते हैं, तो सेपरेट ये ही केवल ठंडा होता है, बाहर उतनी ठंडक जाती नहीं है। वाली बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ और बेडशीट ना बड़ी अजीब सी हो जाती है ह्यूमिड की वजह से, जाने क्या बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी, मतलब पसीज से जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। फिर उसके बाद मैंने किए जो कपड़े सूख गए थे सारे, वो सारे फोल्ड करके अपनी जगह पे अलमीरा में रखे। फिर उसके बाद मैंने किए सारे घर की डस्टिंग, और जो ड्रेसिंग की डस्टिंग है वो मैं इसी तरीके से डेली करती हूँ, एक एक सामान को हटा करके, क्योंकि पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आती मेरी ये समझ में नहीं आता है। जबकि बारिश का मौसम है तब भी जो है डस्टिंग डेली करना पड़ता है, हल्की फुल्की धूल जम जाती है तो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती, एक एक सामान पे जमती है तो फिर सामान यूज़ करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कितनी तेज़ वाली बारिश होने लगी अचानक से, और पता है अभी थोड़ी देर पहले धूप सी थी और कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम कोहरा हो गया है सर्दियों जैसा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है पीछे, देखिए कुछ भी नहीं। अब थैंक गॉड मैंने आज ये मशीन का कवर बदल दिया था, मैंने पहले वाला जो कवर मंगाया था, अभी मैं आपको यहीं पर क्लिप शेयर कर दूंगी, ये वाला देखिए बहुत सुंदर था, कलरफुल था, बट ये वाला ना मतलब वाटरप्रूफ नहीं था, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। मॉनसून स्टार्ट हो गए हैं तो एक बार मेरी मशीन पूरी तरह भीग चुकी थी, बट आज मैंने इतना सही टाइम पे चेंज कर दिया है। ये वाला कवर अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ, मैंने फटाफट से लगा दिया, मैंने कहा बारिश ना हो जाए जबकि धूप थी, बट देखिए मेरा डिसीज़न सही रहा, मैं टेंशन फ्री हूँ मेरी मशीन भीगेगी नहीं, मुझे डर लगता है ना कहीं ख़राब वगैरह ना हो जाए। आज मैं कर रही हूँ पूरे काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग, सारा कुछ हटा करके, और जो स्कॉच ब्राइट वगैरह उससे अच्छे से जूने से साफ़ करूँगी विम से सारा कुछ,
और ये वैसे मैं वॉश करती हूँ, बट आज मुझे वॉश करने की नीड लग नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसको गीले कपड़े से, सारे जो इधर सामान रहते हैं ना, तो ये हल्के से ऑयली ऑयली से हो जाते हैं, खाना बनता ना उस वजह से, तो फिर मैंने इनको इसी तरीके से साफ़ कर दिया, तो ये साफ़ हो गए थे। फिर मुझे लगा नहीं कि वॉश करने, उसके बाद सारा टाइल्स वगैरह पोछे, काउंटर टॉप वगैरह पोछे, और पीछे भी देखिए कितना जमावड़ा हो रखा है, उसको भी मुझे एक सा करना है। सारे जो बॉक्स और बैग वगैरह आते हैं ना जेप्टो से और ब्लिंकिट से, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, और ऐसे कुटपुट मेरे हाथ में उंगलियों में लगती रहती है काम के वक्त, तो इसको इग्नोर करना, तो वही मैं देखने लगी थी। कभी कभी ज़्यादा भी लग जाती है। और यहाँ पर फिर मैंने सारे आज काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग कर दी, काफ़ी टाइम लग गया बट अच्छा बहुत लगा। और उसके बाद किए मैंने सारे बर्तन क्लीन, और मैं ना म्यूज़िक लगा लेती हूँ, मुझे म्यूज़िक लगा करके काम करना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है, तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है वो चलता रहता है बैक टू बैक, फिर मैं सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, और क्या सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, इतना काम, मतलब अगर करने आओ, करने वाला इंसान हो तो उसके लिए कितना काम है ना। मैं कुछ लेडीज़ को ऐसे बैठे फ्री और वैसे देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इनको कैसे टाइम मिल जाता है, ये टाइम मुझे क्यों नहीं मिलता है, जब मैं फालतू का टाइम ऐसे स्पेंड करूँ इधर उधर टहल के बैठ के, मुझे मिलता ही नहीं है टाइम, मेरा पूरा दिन कम पड़ जाता है। मेरे लिए फ्रेंड्स जितना पूरा दिन होता है ना वो मेरा कम पड़ जाता है, मुझे लगता है कुछ और एक्स्ट्रा घंटे होती तो मैं और काम कर लेती, पूरा दिन में नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और ये देखिए मेरा सिंक कितना चमक गया है, पूरी किचन का जो काउंटर टॉप है वो कितना चमक गया है, अच्छा लग रहा है ना। ये जो फीलिंग होती है ना, ये जब हम देखते हैं काम करके फुर्सत होकर के, अपने हाथ की सफाई और अपने हाथ के काम की बात ही अलग है। और साथ ही साथ में बाहर का व्यू भी दे रही हूँ आपको, बारिश बंद हो गई है, पानी भर गया है, जिसकी वजह से मुझे कपड़े इस तरीके से सुखाने पड़ रहे हैं, घर की हालत देख के क्या हो गई है, पूरा घर सब कुछ एक सा है, बस ये जो कपड़े हैं ना ये इस तरीके से मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि बाहर कहीं भी जगह नहीं है जहाँ मैं डाल सकूँ। और जो वाईफाई वाला स्विच है वो बार बार गिरता था, तो मैंने उसको एसी के ऊपर ही टिका दिया। अब चलिए लगाने जा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद मैंने किया वॉशरूम को क्लीन और नहाया सर, धुल के एक बहुत अच्छी सी ली बात और ली सुकून की सांस साथ के साथ ही। देखिए मेरी हालत क्या हो जाती है, सच में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, काम करते 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 थकावट हो जाती है, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। फिर ये थोड़ा सा नहा करके मुझे टाइम मिलता है 5-10 मिनट, ऐसे ही बैठती हूँ मैं रिलैक्स करके, और अच्छा बहुत लगता है क्योंकि घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका होता है, सारा काम हो चुका होता है, तो कपड़े सूख जाएंगे एक दो घंटे में तो सूख ही जाएंगे पंखे की हवा से, क्योंकि मैं मशीन में ही सुखा देती हूँ ऑलमोस्ट, मेरे 80% कपड़े मशीन में सूख जाते हैं, बस 20% रहते हैं, तो फिर मैं सुखाती हूँ। कैसे फेस बना रही हूँ अजीबोगरीब। तो चलिए अब इसके बाद मुझे लंच बनाना है, अभी लंच बनाऊंगी, फिर आगे के काम करूंगी जो मुझे करने हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह का होता है, शूटिंग वगैरह का होता है तो वो करती हूँ। आफ्टरनून में भी मैं बहुत ही रेयर रेस्ट करती हूँ, शायद ही कभी कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज़ मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, और इस टाइम मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, थोड़ी सी थकावट हो जाती है, रिलैक्स बहुत रहता है माइंड। किस किस को ये वाले सॉन्ग्स पसंद है जो मैं सुन रही थी, मैंने आपको भी थोड़ी थोड़ी सुनाए, कॉपीराइट आ जाएगा ना तो ज़्यादा नहीं सुनाए। सो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का 5 AM to 12 PM रूटीन, क्योंकि आज ना एक्स्ट्रा काम था इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, किचन वगैरह डीप क्लीन करी, तो कैसा लगा आपको, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं भाग गई किचन में, कैमरा भूल गई बंद करना, मतलब मैं लंच बनाने चली गई, मुझे याद आ गया कोई काम वो करा, फिर मैं कैमरा ही बंद करना भूल गई, काफ़ी देर के बाद फिर मैंने बंद किया था यहाँ पर। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ चीला, तो चीला बनाऊँगी, सुकून से खाऊँगी। ये मूंग दाल का चीला है, तो मैं लंच में 2 चीले अपने लिए बनाऊँगी, हल्का सा चिपक गया था तो मैंने इसको सही कर दिया। और ये तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे फिर और किसी नए व्लॉग के साथ, और आपको आज का व्लॉग मेरा रूटीन व्लॉग कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा,
आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।